कांग्रेस से निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने 4 अप्रैल को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चला रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा चल रही है। निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्ट सीट है वो आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का जवाब में चिट्ठी लिखी कि ये भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। इससे पहले संजय निरुपम ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम अपना इस्तीफा भेजने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाला। दरअसल बुधवार रात खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोध बयानों की शिकायतों के बाद निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी थी। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में निरुपम ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि बीती रात मेरा इस्तीफा मिलते ही पार्टी ने मुझे निकाले जाने का ऐलान करने का फैसला लिया। ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी। जब मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन ऑक्शन लेने का मूड में है तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे।